इंडियन आइडल में आया एक अनोखा युवक जिसकी आवाज़ के दीवाने हुए सभी जज और हो गए ऐसे आर्टिस्ट सुने हैं जो फीमेल्स जो मेल वॉइस में भी गाती हैं यहाँ पे आए हैं, बट टू डू इट कन्विंसिंगली एंड टू डू इट जहाँ पे गायक ही कॉम्प्रोमाइज ना हो, दैट इज सच अ रेयर थिंग. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड आपने कहा शुरू करने के पहले कि आपने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है यहाँ पे आने के लिए. मैन, ग्रेट मूव. आई थिंक पूरा देश आपकी आवाज को चाहेगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपकी आवाजों को चाहेगा. इनक्रेडिबल, यू आर इनक्रेडिबल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से तो बिल्कुल यस है और सुपर यस है. एंड यू आर फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, अनबीटेबल. एंड आज तुम्हारा स्टेज तुम्हारे लिए यू इट्स गोइंग टू बी वेरी प्राउड. योपन, क्या बात क्या है? सर, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने की बहुत ठोकरे खाई और बहुत मैंने मेहनत की है. और हालांकि सर मैंने सीखा नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैंने सीखा नहीं है. कमाल. और मुझे अगर बॉलीवुड में इंडियन आइडल के जरिए अगर दो लाइन भी अगर गाने का मौका मिले तो हमारे स्टेट के लिए, हमारे अरुणाचल के लिए एक सर. पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जो बॉलीवुड बार बार कह रहे हो ना, बॉलीवुड में तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन आज के जमाने में म्यूजिक अपनी एक अलग इतिहास रचने जा रहा है और बहुत ही बड़ा चेंज इमीडिएटली शुरू हो गया है बेटा. इंडियन आइडल का इतना बड़ा मंच, सीधा तुम हो, पब्लिक हो और तुम्हारा गाना है और तुम सुपरस्टार हो. क्या बात. आपको बिग बिग वेलकम. अरुणाचल प्रदेश से आए युवक की आवाज़ ने किया ऐसा जादू कि तीनों जज हो गए उसकी आवाज़ के दीवाने और उनका हो ही गया आखिरकार इंडियन आइडल में सिलेक्शन. अगर अभी तक आपने MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा प्रसारित किए गए सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें.